नमस्कार, आप जोई रहा छो गुजरात नी नंबर वन न्यूज चैनल जी 24 कलाक। 3 वाग्या सुधी नी तमाम महत्वनी खबरो साथे हूं छु धरा। सौथी पहला वात करीशु आर्यन खान ड्रग्स केस नी। आर्यन खान ड्रग्स केस में रोजे रोजे सुनावणी करवामां आवी रही छे, परंतु हजु सुधी कोई पण कोर्टे आर्यन खान ना जामीन मंजूर नथी कर्या। त्यारे थोड़ी वार में फरी बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जामीन अरजी पर सुनावणी थवानी छे। गईकाले सुनावणी में आर्यन खान पक्ष तरफ थी दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी तेमज सतीश मान शिंदे हाजर रहा हता। आर्यन ना वकीलों स्पष्ट कह्यु हतु के आर्यन विरुद्ध कोई नकल पुरावा नथी, तेम छता आर्यन ने 20 दिवस करता वधु समय जेल में राखवामां आव्यो छे। आर्यन ने ड्रग्स नु सेवन नथी कर्यु, आर्यन पासे थी ड्रग्स नो जत्थो पण नथी मळी आव्यो, जेनी सामे एनसीबी ना वकीले जवाब में जणाव्यु आंतरराष्ट्रीय गैंग साथे आर्यन ना संबंधो होवानी आशंका छे, ते साबित करवा समय नी खूब जरूर छे। जो कि शाहरुख खान ने आर्यन खान ना वकील सतत ए प्रयास करी रहा छे कि आर्यन ने जल्दी जामीन मळी जाए, कारण के जो आर्यन खान ने 29 ऑक्टोबर सुधी जामीन नहीं मळे तो शक्यता ए छे कि आर्यन खान ने दिवाळी जेल में ज काढवी पड़े, कारण के 30 और 31 ऑक्टोबर शनिवार और रविवार की रजा है। 1 नवम्बर थी 15 नवम्बर सुधी दिवाळी की रजाओं कारण जज हाजर नहीं होय, जेथी करीने सुनावणी 15 नवम्बर पछी शक्य बनशे। एक संभावना ए पण छे के एनडीपीएस कोर्टनी जेम हाईकोर्ट पण 15 नवम्बर सुधी जामीन अरजी पर निर्णय सुरक्षित राखी शके छे, परंतु कलम 21 अंतर्गत जामीन अरजी पर लांबा समय सुधी निर्णय ने सुरक्षित राखी ना शकाय, जेथी करीने हाईकोर्ट जल्दी निर्णय लेशे। जो आर्यन ने हाईकोर्ट तरफ थी जामीन ना मळी तो आ मामलो सुप्रीम कोर्ट में पण जई शके छे, परंतु सुप्रीम कोर्ट में पण 1 થી 7 નવેમ્બર सुधी रजा छे। તેવામાં જો સુપ્રીમ કોર્ટને આ કેસ મહત્વપૂર્ણ લાગશે તો રજાના દિવસોમાં પણ આર્યન ખાન કેસ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થાય તેવી પૂરી શક્યતા છે। રોજે સુનાવણી થઈ રહી છે ત્યારે થોડી જ વારમાં વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે।